ये तुम्हारा क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे भी है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों तुम्हारा नेटवर्क सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये जो नेटवर्क है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर। अब देखो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन जो है वो तुम्हारा कैपेसिटर का है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सीरीज वाला। ये क्या कहते हैं, अगर रेजिस्टर का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो उसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, सिर्फ फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब फाइंड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू मेरे को होगा सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। ये तुम्हारा है सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए क्या होता है सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है ना। इसको यहाँ पे सर्किट को रिड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा पीछे वाले एंड से। हम अगर ये दोनों टर्मिनल को देखोगे तो ये दोनों टर्मिनल के बीच इधर वाला देखो, दोनों किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सी वन सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। तो ये दोनों जो कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी वन सी टू यानी टू मल्टीप्लाइड विद टू डिवाइडेड बाय टू प्लस टू, तो ये कितना आ जाएगा, फोर डिवाइडेड बाय फोर, वन आ गया। अरे है नहीं? Yes, तो ये दोनों को कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम लोग वन माइक्रो फैराड का कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। Yes, अब ये वन माइक्रो फैराड के साथ किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल वाला क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये वन और वन कितना हो जाएगा, फिर ये टू और टू किसमें आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में कितना होता है, टू और टू भी करके दिखाए थे, वन। तो ये टू और टू फिर वन हो जाएगा, वन और वन पैरेलल में कितना जाएगा, टू। फिर टू और टू सीरीज में, वन और वन प्लस वन पैरेलल में कितना हो गया, टू। अरे हुआ ना यार, और फिर टू और टू किसमें आ गया, सीरीज में। तो सीरीज का क्या होता है, वन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना जाएगा, वन माइक्रो फैराड, डायरेक्टली मैं कर दिया स्टेप बाय स्टेप, अगर सिंपल है ना। लेकिन ये तुम्हारा इनफाइनाइट लैडर है, तो इनफाइनाइट लैडर में सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आधे तक यहाँ पे तो क्या एक दो तीन चार स्टेप था, तो चार स्टेप में हमने कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया। लेकिन ये तो लैडर तुम्हारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक थोड़े ना करते रहेंगे बैठ के। सिंपल हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेना है, जब भी स्टेप का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स माइक्रोफैराड, में मान लेते कितना है, एक्स माइक्रोफैराड। क्लियर है, यहां पे ध्यान दो, ए और बी के बीच बिना सॉल्व किए हम लोग एज्यूम कर लिए कि माइक्रो कितना है, कैपेसिटेंस है एक्स माइक्रोफैराड, और इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे आगे चल के। अब देखो ये इनफाइनाइट लैडर है, तो इनफाइनाइट लैडर में एक छोटा सा पार्ट को अगर तुम हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिपीटेशन किसका होगा, मतलब तो कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है लैडर में, क्या होता है, एक पार्ट ही रिपीट होता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं यही वाला है, इस टाइप का अगर तुम्हारा डायग्राम रिपीट हो रहा है तो क्या बोलूंगा मैं, इस चीज का रिपीटेशन हो रहा है। अगर इस टाइप का सेप हो तो मैं बोलूँ इस टाइप का सेप का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो एक पार्ट को तुमको क्या कर देना पड़ा, हटा दो इन्फिनिटी में, तो वापस से क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा सेम। तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिपीट हो रहा है, क्लियर है ना। देखो ये वाला रिपीट नहीं हो रहा है, ये अगर है उसके बीच में तो टू माइक्रो फैराड आ गया, फिर वापस से कितना आ गया, वन माइक्रो फैराड। तो अगर ये वाला पार्ट को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, वन माइक्रो फैराड टू माइक्रो फैराड। फिर देखो वन माइक्रो फैराड टू माइक्रो फैराड, वन माइक्रो फैराड टू माइक्रो फैराड, वन माइक्रो फैराड टू माइक्रो फैराड, ये वाला सेट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नहीं, जो जो रिपीट करा वही मूल सकते हैं, ये वाला वर्टिकल वाला लाइन और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मान लेते हैं ये वाला मैं ढक भी दूं तो वापस से देखो वही सेट तुमको क्या कर रहा है, नजर आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इतना वाले पार्ट को हटाता हूँ, ये वाला पार्ट को हटाता हूँ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, क्लियर है, ये वाला पार्ट को हटा देते। तो ये वाला पार्ट को अगर हटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचाएगा, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी। सबसे पहले जो मैं हटाया हूं उसको डॉटेड लाइन के अंदर में रखा, मैंने हटा दिया था, इतना पार्ट मैंने हटाया, इसको फिर वापस से वही ऐड कर देंगे, क्लियर।
ये वाला पार्ट को मैंने हटा दिया ना, आगे वाला जो रिपीट हुआ है उसको वापस से लिखते जाओ। ये तुम्हारा कितना है, 1 माइक्रोफेराड, उसके बाद क्या है 2 माइक्रोफेराड, फिर वापस से कितना है बताते जाओ, 1 माइक्रोफेराड, फिर से वापस क्या है 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, और वापस से कितना है 2 माइक्रोफेराड, और आगे ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, इंफिनिटी तक, कहां तक कर रहा है इंफिनिटी तक। अरे हाँ ये नहीं, अब देखो ये तो तुम्हारा टर्मिनल, अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्मिनल ए को यहाँ पे ला सकते हैं और बी को यहाँ पे ला सकते हैं, और ए और बी के बीच हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना है, एक्स माइक्रोफेराड। तो अब ये पूरे के पूरे नेटवर्क को हटा कर दे, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माना हूं मैं, एक्स, तो हटा देता हूं और इस डायग्राम को मैं रिड्रॉ करता हूं। ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा क्या था बी, ये वाला पार्ट तुमने हटाया था, वापस से मैं वहीं पर रहने देता हूं, अभी रहने देता हूं ना, और ये दोनों पॉइंट के बीच ये तुम्हारा इनफाइनाइट लैडर है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कितना माना एक्स माइक्रोफेराड। अरे हाँ या नहीं, और जो हटाए थे इस पार्ट में देखो वापस से उसको फिर ऐड कर देंगे, अगर वापस से तुम ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे देखो कितना था 1 माइक्रोफेराड था, उसके बाद क्या था 2 माइक्रोफेराड, ये वाला डॉटेड लाइन के अंदर, हाँ या नहीं, और फिर वापस से तुम्हारा क्या ऐड हो जा रहा है एक्स माइक्रोफेराड। अरे बोलो, अब देखो एक्स और 2 माइक्रोफेराड किसमें, सीरीज में, तो सीरीज का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों को अगर तुम सीरीज में है तो होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस X। अरे कहीं नहीं, फिर ये जो तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो किसके पैरेलल में, 1, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये वाला और ये वाला कैपेसिटेंस पैरेलल में आ गया, तो हो जाएगा 1 प्लस 2X डिवाइडेड बाय 2 प्लस X, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमने क्या माना है X, तो सी ए बी इज इक्वल टू क्या है X इज इक्वल टू 1 प्लस 2X डिवाइडेड बाय 2 प्लस X। मैं यहाँ आके सॉल्व करता हूँ, एकदम सिंपल ही आ जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, X इज इक्वल टू ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करो, टू प्लस एक्स प्लस 2X डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 2 प्लस X, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, X इनटू 2 प्लस X इज इक्वल टू 2X प्लस X 3X प्लस 2, है ना, X इनटू X, X स्क्वायर प्लस 2X इज इक्वल टू 3X प्लस 2, X स्क्वायर 3X को इधर लाओ, 2X माइनस 3X माइनस X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, X का मैक्सिमम पावर कितना है 2, X का दो वैल्यू आएगा, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, X स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं -2X + X, वही आ जाएगा ना, -2 = 0, अब इसको X कॉमन लो, X - 2 + 1 × X - 2 = 0, तो X + 1 × X - 2 = 0, तो X का वैल्यू या तो आपका आ जाएगा -1 -1 तो पॉसिबल नहीं है, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आएगा 2 माइक्रोफेराड आया क्या। अब सेम कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर सकते हो रेजिस्टर के केस में, सबसे पहले तुम्हें देखना है तो कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर, फॉर्मूला क्लियर है ना, चलो।